प्रकट होए, भोलेनाथ जी प्रकट होए एक बार, मांग के राम अर्जुन वार तपस्या कर रहे थे दोनों बैठे हुए जंगल में भैया अगर सोच बार बहुत बार जंगल में तपस्या कर रहे थे मांग के राम अर्जुन नौ बार एक बार भोलेनाथ जी प्रकट होए तपस्या सुन रहे कि नौ बार ये मांग के राम की तो भोलेनाथ जी ने मांग के राम से पूछो बोल बेटा तुझे क्या जी कमाई चाहिए तो मांग राम बोल रहा है हराम की कमाई चाहिए तो हराम की कमाई चाहिए तो उन्होंने तो उगम सिंह का घर के आगे जमीन कब जा रही भैया सारी घेर में इधर मांगे राम बोल रहा है हमें तो हराम की कमाई चाहिए उसने सारी घर के आगे सारी जमीन कब जा ली तो फिर नौ बार का नंबर आया फिर भोले शंकर जी ने नौ बार से पूछा बोल बेटा तुझे कैसी कमाई चाहिए हराम की कमाई चाहिए या लूट की कमाई चाहिए तो नौ बार बोल रहा है हम ये हराम की कमाई भी चाहिए लूट की कमाई भी चाहिए तो भोले शंकर जी के भक्तों ने उठाकर नौ बार ही घर वाले की टांग तोड़ दी कभी इधर को कभी उधर को भैया नौ बार को आराम की भी कमाई चाहिए लूट की भी कमाई चाहिए उसने इधर कब जा ली राहुल से घर के बराबर जमीन नौ बार मांगे राम ने इधर कब जा ली भैया मांगे राम को आराम की कमाई चाहिए नौ बार को आराम की या लूट की दोनों चीजें कमाई चाहिए उड़ने में तोतारी चिड़िया अरुण शर्मा की दुकान में दयाल वाले गड्ढे पर वहीं ठवा दिया उसने साले ने कुछ दिन पहले की बात सचिन शर्मा की बहन प्रीति दुपट्टे का फांसी का फंदा बनाकर सौट में बांध कर लटक गई थी भैया कुछ दिन पहले की बात नरेश शर्मा की लड़की होती प्रीति स्कूल में पढ़ा थी हमारे साथ में जूनियर हाई स्कूल वास्तव हो गए 10-15 साल दुपट्टे का फांसी का फंदा बनाकर सीधा फांसी का फंदा लटा सचिन शर्मा अपनी बहन का तो कर नहीं पाया शादी दूसरी बहन की कहाँ से करते दुपट्टा बांध गले में लटक की थी मर गई होगी